subscribe to our channel and hit the bell icon for your daily dose of sugar. Hi guys, मेरा नाम शुभांगी आनंद है और आज की वीडियो होगी नवरात्रि मेकअप लुक ट्यूटोरियल। ये एक बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है जो आप बहुत इजीली इस नवरात्रि पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लुक बहुत ही ज्यादा ग्लोई हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और स्वेट प्रूफ हो, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का एल्कोहलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर। उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी एस ऑफ फेस स्टिक फाउंडेशन और मेरा शेड है 10 लाटे। ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है क्योंकि ये बहुत ही फुल कवरेज देता है और इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है। कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी शुगर का मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर और इसे मैं पहले अपने अंडर आईज पर लगाऊंगी जिससे मेरे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाएं और थोड़ा सा अपने आउटर कॉर्नर्स पे जिससे मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं ये सारा कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और अब अपनी अंडर आईज और स्माइल लाइंस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का सेट द टोन टिंटेड पाउडर और मेरा शेड है 30। अब अपने फेस को शेप देने के लिए मैं यूज करूंगी शुगर का कॉन्टोरिंग स्टिक और मेरा शेड है एक्सप्रेसो एच। इसे मैं अपनी चीक बोन्स, जॉ लाइंस और थोड़ा सा फोरहेड और नोज कॉन्टोरिंग के लिए थोड़ा सा नोज पर लगाऊंगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इन सबको ब्लेंड कर दूंगी। ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ कॉन्टोर द फोर्स मिनी ब्लश और मेरा शेड है 04 सैलमन सुपरस्टार वार्म पीच। ये बहुत ही अच्छा ब्लश है, इससे बहुत नेचुरल लुक आता है। आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लेंडर रूज आई शेडो पैलेट और जो शेड है वो है 04 फेटिश। इसका मैंने सॉफ्ट एप्रिकॉट शेड लिया है और अपनी पहले क्रीज पर लगाया है एक ट्रांजिशन शेड की तरह। उसके बाद नेक्स्ट शेड जो मैंने यूज करा है वो है सिनेमन ब्राउन और उसे मैंने अपनी क्रीज पर लगाया है। फिर शिमर शैडो के लिए मैंने यूज करा है प्योर गोल्ड शेड और इसे मैं अपनी हाफ आईलेट पर अच्छे से लगा रही हूँ। फिर मैं शुगर का आईलाइनर यूज कर रही हूँ और ये है आई डेड यू सो मेटालिक आईलाइनर और इसका शेड है 01 ब्रॉन्ज हॉर्समैन और इसे मैं अपनी हाफ क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ कॉन्टोर द फोर्स हाइलाइटर पैलेट और इसका शेड है 01 ग्लो जीनियस। तो इसके अंदर जो गोल्डन शेड है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ और ये शेड एकदम परफेक्ट है इंडियन स्किन टोन्स के लिए। अगर आप कोई भी इंडियन लुक कर रहे हैं तो ये वाला हाइलाइटर एकदम परफेक्ट है उसके लिए। अब इस लुक को सेट करने के लिए और थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रैंड फिनाले सेटिंग मिस्ट और इसका वेरिएंट है हाईलाइट। अब अपनी आईज़ को स्मोकी लुक देने के लिए मैं स्ट्रोक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी कोल जिसका शेड है 01 बैक टू ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाने के बाद ब्रश की मदद से इसे स्मच कर रही हूँ। आई फील इंडियन लुक्स पर बोल्ड लिप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसीलिए मैं इस लुक के साथ भी बोल्ड लिप्स करने वाली हूँ और उसके लिए मैं सबसे पहले अपने लिप्स को लाइन करूँगी। एंड जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है लिपिंग ऑन दी एज लिप लाइनर जिसका शेड है 07 फायरी बेरी। और अब लास्ट स्टेप है लिपस्टिक और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेटल सैटिन लिपस्टिक और इसका शेड है 05 हेलेना प्लम बेरी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। हो गया हमारा बहुत ही इजी एंड सिंपल नवरात्रि मेकअप लुक। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो और ये लुक पसंद आया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आप ये लुक इस नवरात्रि पर करना पसंद करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।